दोस्तों, कुछ प्लांट्स बहुत ही मज़ेदार एवं बेनिफिशियल होते हैं, जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल एवं एंटीऑक्सीडेंट्स आदि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्किन डिसऑर्डर्स जैसे एक्ने, एक्जिमा, इन्फेक्शंस एवं स्किन टैन आदि में बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। वास्तव में कुछ प्लांट्स स्किन हेल्थ के साथ दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं, जिन्हें जानना ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे एलोए वीरा प्लांट के बारे में, जिसे मिश्रवासी यानी इजिप्शियंस प्लांट ऑफ इमोर्टेलिटी यानी अमरता का प्रतीक पौधा मानते हैं। लेकिन क्या यह वंडरफुल प्लांट मॉडर्न साइंस के अनुरूप है? आइए जानते हैं कुछ लोगों से वह इस प्लांट के बारे में क्या जानते हैं एवं इसका इस्तेमाल वह कैसे करते हैं। दोस्तों, आप जो ये सकुलेंट प्लांट देख रहे हैं गमले में, आप इसका नाम बता सकते होते हैं? आप में से कौन है जो नाम बताएगा प्लीज? हाँ, एलोवेरा का पेड़। तो आपने एलोवेरा अपने घर पे लगा रखा है क्या? जी, लगा रखा है। अच्छा, आप बता सकते हैं इसका क्या यूटिलाइजेशन है? स्किन केयर के लिए यूज करते हैं। स्किन केयर के लिए, वेरी गुड। आप कुछ बता सकते हैं इस प्लांट का क्या यूज है? हाँ सर, क्यों इसको बालों के केयर के लिए भी यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। और उसके मतलब जलना कम हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, चोट वगैरह पे लगाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप कुछ बता सकते हैं इस प्लांट के बारे में? ये नॉलेज मुझे। अच्छा, चलिए, बाकी की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से विजिटर को देंगे। धन्यवाद। जो ये जो आपके सामने एक प्लांट है गमले में, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा सकुलेंट है, तो आप इसका कौन नाम बता सकता होता है? आप लोग में से इसका नाम जो है कौन जानता है? एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा। आगे आए आप, आपका नाम क्या है? समन्यू। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हैदराबाद। तो गर्ल्स से मेरा क्वेश्चन है, एनी ऑफ यू, आप इसका ये जो एलोवेरा आप प्लांट देख रहे हैं, चूंकि बच्चे ने नाम बताया था, आप इसका कुछ मेडिसिनल यूसेज या इसका कुछ और भी हेल्थ बेनिफिट जानते हैं? आप में से जो जानता है प्लीज कम फॉरवर्ड, अपना नाम बताएं। माय नेम इज अक्षरा एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद ऑल अमंग ग्लोबल स्कूल। वेरी गुड। सो दिस प्लांट व्हिच इज आयुर्वेदा, इट होल्ड्स स्पेसिफिक मेडिसिनल इंप्लीमेंट एंड इट रिड्यूसेस हेयर रिडक्शन एंड आल्सो इंप्रूव्स द रूट कंडीशन ऑफ आवर हेयर। इट आल्सो हेल्प्स इन इंप्रूविंग आवर स्किन बाय रिमूविंग सीबम समटाइम्स। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैप फॉर हर, बिग हैंड फॉर हर। थैंक यू सो मच। मेरे दोस्त, आपका नाम क्या है? गौरव मावर। और आपका? सुनील महावर। सुनील महावर, आपके सामने जो ये गमले में एक सकुलेंट प्लांट रखा हुआ है, क्या आप इसका नाम जानते हैं? तो चूंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में कई सारे रोल प्ले करता है, हमें इसका नाम पता होना चाहिए। दोस्तों, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना आपके सामने, ये बहुत खूबसूरत सा सकुलेंट प्लांट है, आपको इसका नाम बताना है। क्या आप लोगों में से कौन है जो इसका नाम जानता है? इसका नाम है एलोवेरा। एलोवेरा, वाह। पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम नितेश कुमार महावर है। कहाँ से आए आप? मैं जयपुर से आया हूँ। बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या है? इसका नाम एलोवेरा है। एलोवेरा, तो ये किस काम में आता है, कुछ पता है आपको? इसका यूज बहुत सी चीजों में किया जाता है, जैसे कि इसका फेस पे भी आप यूज कर सकते हैं, वो बहुत फायदेमंद रहती है आपकी स्किन। इसको बालों पे भी लगा सकते हैं आप, इसकी बहुत से लोग सब्जी भी बनाते हैं। बहुत बढ़िया। और भी बहुत सी चीजों में प्रोडक्ट वगैरह, दवाइयाँ, बहुत सी चीज बनाई जाती है इससे। अरे भाई, आपको तो बहुत डिटेल नॉलेज है, तो हमारे जो दर्शक है तो कहीं ना कहीं अभिभूत होंगे आपसे। इस प्लांट का नाम बताए जी सर। इस प्लांट, पहले तो आप अपना नाम बताएं। सर, माय नेम इज कुशल मावर। कहाँ से आए आप? फ्रॉम जयपुर। जयपुर, वेरी गुड। तो आपने ये खूबसूरत सा जो सकुलेंट प्लांट आपके सामने रखा है, हमारे दर्शकों को बताएं, आपको इसका नाम पता है? जी सर। क्या नाम है इसका? सर, इस प्लांट का नाम एलोवेरा है। एलोवेरा, तो आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, तो ये किस किस काम में आता है, कुछ पता है आपको? जी सर, ये दवाइयाँ बनाने के काम में आता है, प्लस एलोवेरा बालों में भी लगा सकते हो, फेस पे प्रोडक्ट ऑल पर्पस और भी चीजों में काम में आता है ये। बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। दोस्त, आप कहाँ से आए? सर, मैं जयपुर से हूँ। मेरा नाम परवीन महावर है। हाँ, आपको इस प्लांट के बारे में कुछ पता है? सर, पता है थोड़ा बहुत। क्या है इस प्लांट का नाम? इसका नाम एलोवेरा है और इसको हमारी भाषा में ग्वार पाठा भी बोला जाता है। हाँ, वेरी गुड। हिंदी भाषा में ग्वार पाठा के नाम से भी जानते हैं। वेरी गुड। तो बेसिकली ये बहुत सी चीजों में उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि स्किन के लिए, बालों के लिए। अच्छा, सब्जी भी बनाई जाती है हमारे गांव में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं गमले में, आपको इसका नाम पता है? एलोवेरा है।
एलोवेरा। तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, तो आपने तो ये बहुत बढ़िया बात बताई कि एलोवेरा इसका प्लांट का नाम है, तो इसका बहुत सारा यूज भी होता है, ये भी पता होगा क्या क्या यूज कर सकते होते हैं? दवाओं में, सब में यूज होता है। हाँ वेरी गुड, दवाओं में और ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है। क्या आप जानते हैं एलोवेरा का ट्रेडिशनल यूजेस हजारों वर्षों से सौंदर्य उत्पाद के रूप में भी किया जाता रहा है। ये सक्कुलेंट यानी गुदेदार प्लांट समय के साथ साथ साइंटिफिक लेबोरेटरी तक में खरा उतरा है। दोस्तों एलोवेरा का साइंटिफिक नेम एलोए बारबेडेंसिस मिलर है। इस छोटे तने वाला प्लांट अपनी थिक व फ्लैशी लीव्स यानी मोटी व मांसल पत्तियों में पानी जमा करने के लिए भी जाना जाता है, जिसके अंदर 75 से भी ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इनमें विटामिन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड एवं एंटीऑक्सीडेंट्स तक शामिल हैं। वास्तव में एलोवेरा जेल में विटामिन ए, सी एवं ई पाया जाता है, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होने के नाते ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इंटरेस्टिंगली इनमें विटामिन B12 भी पाया जाता है, जो प्लांट्स में रेयरली होता है। चूंकि एलोवेरा में एमाइलेज एवं लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग के लिए आवश्यक 22 में से 20 अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, जबकि इसमें एसमेन जैसे पॉलीसेक्राइड्स पावरफुल इम्यून बूस्टर भी पाए जाते हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसके अतिरिक्त एलोवेरा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक्स जैसे मिनरल्स मनुष्य के शरीर में वाइटल रोल प्ले करते हैं। दोस्तों जर्नल ऑफ एथनो फार्मेकोलॉजी के अनुसार एलोवेरा में हील वर्न यानी जलने से हुए घाव को अन्य पारंपरिक उपचारों की तुलना में जल्दी ठीक किया जा सकता है, अतः ये स्किन हेल्थ व वुंड हीलिंग में भी बेनिफिशियल होता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ जनरल प्रैक्टिस की स्टडी के अनुसार एलोवेरा का जूस डाइजेशन में इम्प्रूव कर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी सूत्र बनाता है। वास्तव में इसमें पाया जाने वाला एसमैन कंपाउंड्स IBS एवं एसिड रिफ्लक्स कंडीशन में हेल्पफुल होता है। जैसा आप जानते हैं इन्फ्लेमेशन कई डिजीज की जड़ होती है, लेकिन एलोवेरा में ब्रेडिकाइनेज एवं सैलिसिलिक एसिड जैसे नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स भी पाए जाते हैं, जो स्वेलिंग एवं पेन रिड्यूस करने में बेनिफिशियल होते हैं। दोस्तों एलोवेरा का जूस ब्लड शुगर लेवल भी रेगुलेट करने में हेल्पफुल होता है, जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। वास्तव में ए 2016 मेटा एनालिसिस में पाया गया कि एलोवेरा सिग्निफिकेंटली फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को रिड्यूस करता है। क्या आप जानते हैं एलोवेरा का सबसे सेफ व इफेक्टिव इस्तेमाल हेयर व स्किन हेल्थ के लिए किया जाता है? इसके जेल का एक्सटर्नली यूज स्किन को हाइड्रेट्स करता है, वह भी बिना ग्रीजिस फील के। हालांकि ऑयली स्किन के लिए एलोवेरा बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरी तरह की स्किन वाले इसको अप्लाई न करें, बल्कि एलोवेरा ऑल टाइप स्किन के लिए असरकारक रेमेडी है। इसमें एंटी बैक्टीरियल व एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के कारण ये एक्ने यानी मुहासों को भी रिड्यूस करता है, जबकि एलोवेरा विटामिन सी व एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो स्किन या फेस की फाइन लाइन व रिंकल्स को इम्प्रूव कर स्किन इलास्टिसिटी भी बरकरार रखता है। बात अगर हेयर की हो तो एलोवेरा डैंड्रफ रिड्यूस कर हेयर ग्रोथ में भी बेनिफिशियल होता है। वास्तव में इसमें पाया जाने वाला प्रोटियोलाइटिक एंजाइम स्काल्प के पीएच को बैलेंस करता है। क्या आप जानते हैं एलोवेरा खूबसूरती मेंटेन रखने में वाइटल रोल प्ले करता है, इसलिए इसे नेचुरल ब्यूटी रेमेडी में कंसीडर किया जाता है। दोस्तों अधिक हेल्थ बेनिफिट्स हेतु हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टर की सलाह के अनुसार एलोवेरा का यूज़ करना चाहिए। याद रखें एलोवेरा का प्योर जेल यूज़ करें, इसके लिए फ्रेश लीफ को
पील कर यूज किया जा सकता है। लीव्स के एंड पर येलो लेटेक्स का यूज न करें, बल्कि लीफ के एंड काट देना चाहिए, जैसा अभी आपने देखा था। फेस मास्क बनाने के लिए एलोवेरा जेल को टर्मरिक व रोज वाटर में मिक्स कर लगाएं। एक्ने में रिलीफ के साथ ही स्किन क्लीन व क्लियर लगेगी। हेयर मास्क बनाने के लिए एलोय जेल को कोकोनट ऑयल व आलमंड ऑयल में ब्लेंड कर लगाएं, फिर वॉश करें। हेयर ग्रोथ व शाइनिंग में बेनिफिशियल होता है। जबकि डाइजेशन हेतु 1 टेबल स्पून एलोवेरा जूस को मॉर्निंग में गुनगुने पानी से खा लेना चाहिए। इस प्रकार स्किन टू स्टोमक एलोवेरा नेचुरल ग्रीन मिरेकल रेमेडी होता है। दोस्तों, एलोवेरा यानी ग्वार पाठा एक एवरग्रीन पेरिनियल सक्कुलेंट यानी गूदेदार प्लांट है, जिसकी ओरिजिन अरेबियन पेनिनसुला से मानी जाती है। हालांकि ये विश्व भर के ट्रॉपिकल, सेमी ट्रॉपिकल एवं एरिड क्लाइमेट्स में पाया जाता है। इसको कॉमर्शियल लेवल पर उगाया जाता है, लेकिन इस प्लांट की लीव्स ब्यूटीफुल होने के कारण इसे इंडोर प्लांट के रूप में भी पसंद किया जाता है। हालांकि एलोवेरा स्टेमलेस अथवा शॉर्ट स्टेम प्लांट होता है, जो लगभग 60-100 सेंटीमीटर तक टॉल हो जाता है, जबकि इनमें स्प्रेडिंग ऑफसेट्स द्वारा होता है, यानी असेक्सुअली रूट्स में से न्यू प्लांट प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। एलोवेरा की लीव्स थिक फ्लैशी ग्रीन टू ग्रे ग्रीन होती हैं। कुछ वैरायटीज में वाइट फ्लेक्स लीव्स के अपर एवं लोअर पार्ट्स पर बनते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, जबकि इनकी लीव्स की मार्जिन सिरेटेड होती है। इनका फ्लावर 90 सेंटीमीटर की स्पाइक फॉर्म में लगते हैं। प्रत्येक फ्लावर पेंडुलस एवं येलो ट्यूबुलर होता है। दोस्तों, आज का विषय आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।